हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन वर्ड ऑफस्टिट्यूशंस राइट दोस्तों वन वर्ड ऑफ्टीट्यूशंस मींस वो वर्ड जो किसी सेंटेंस के लिए वन वर्ड में लिखे जाते हैं वो वर्ड जो किसी सेंटेंस के लिए वन वर्ड में लिखे जाते हैं कहलाते हैं वन वर्ड ऑफ्सिट्यूशंस दोस्तों हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी के लिए नंबर वन इंपॉर्टेंट होते हैं और बैंकिंग में एज अ वोकेबलरी काम करते हैं तो बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं सब्सटीट्यूशंस अच्छा साब्सटिट्यूशंस को हम एक और वर्ड में क्या कह सकते हैं कैन एनीबी गिव मी एन आंसर हियर साब्सटिट्यूशंस को हम वन मोर वर्ड में क्या कह सकते हैं आप में से जितने लोग सोच रहे हैं इसका आंसर हो सकता है रिप्लेसमेंट वो बिल्कुल ठीक है जी हाँ आप सब्सटीट्यूशंस को दोस्तों रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं रिप्लेसमेंट मीन्स हम किसी भी वर्ड को सेंटेंस को या वस्तु को किसी और चीज से रिप्लेस कर दें यही तो कहलाता है रिप्लेसमेंट और यही कहलाएगा सब्सिट्यूशन जहां हम एक सेंटेंस को वन वर्ड से रिप्लेस कर दें कहलाता है सब्सटीट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आज का नंबर वन सब्सिट्यूशन है दोस्तों द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज कॉलेज में जो स्लीपिंग रूम्स होते हैं सोने वाले जो रूम्स होते हैं सोने के लिए द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ की पब्लिक आती जाती है जैसे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जी हाँ ये चीज़ें कहलाती हैं और ये जगह कहलाती हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों यहाँ कुछ रूम्स बनाए जाते हैं जैसे बस लेट हो जाए ट्रेन लेट हो जाए या फिर एयरपोर्ट पे प्लेन लेट हो जाए तो लोग वहाँ बजाय प्लेटफॉर्म पे वेट करने के कुछ रूम्स बुक कर सकें और वहाँ आराम कर सकें इसके लिए कुछ रूम्स बनाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं और ऐसा ही कुछ स्कूलों में भी किया जाता है जब किसी स्टूडेंट की या टीचर की हेल्थ बिगड़ जाती है तो कुछ समय के लिए वो आराम कर सकें तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों उसे कहते हैं डॉरमिट्री जी राइट right, एग्जैक्टली exactly, दोस्तों डॉरमिट्री डी ओ आर एम आई टी ओ आर वाई सो जस्ट रिमेंबर डॉमेट्री कहलाता है एक ऐसा रूम जहाँ हम लोग आराम करते हैं चाहे वो आपका आपके घर का स्लीपिंग रूम ही क्यों ना हो आप कह सकते हैं हे मॉम आई एम गोइंग टू माई डॉमेट्री इट्स एलेवन ओ क्लॉक एट नाइट तो आप जब अपने रूम में जाते हैं सोने तो वो भी डॉमेट्री कहलाता है सो दिस इज़ द डे वेन वी लर्न डॉमेट्री टुडे फिनिश करते हैं दोस्तों आज यहीं पर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री थैंक यू नमस्कार